राजस्थान पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव द्वारा तमाम जिला मुख्यालयों पर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ आम जनता को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए और कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों पर खास निगरानी रखते हुए कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। अजमेर इज आईजी हवा सिंह गुमरिया, एसपी कुंवर राजदीप के साथ ही जीआरपी एसपी मनीष कुमार भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिन्होंने अजमेर के साथ ही संभाग में बढ़ रहे मामलों को लेकर पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी और हॉटस्पॉट को लेकर पुलिस किस तरह से कदम उठा रही है इसकी भी जानकारी अधिकारियों को दी गई। वीडियो से बातचीत करते हुए अजमेर एसपी ने बताया कि डीजीपी ने मॉडिफाइड लॉकडाउन को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लागू करने के साथ ही कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस दौरान लोगों को खाद्य सामग्री की आपूर्ति और मेडिकल सुविधाएं पर्याप्त तो उपलब्ध हो इसको लेकर अधिकारियों से सामंजस्य बनाकर राहत देने की बात कही है, लेकिन इसी बीच कानून तोड़ने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि इस महामारी के दौरान कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके। देखिए वीसी में जो इस समय सिनेरियो है उसके बारे में ही चर्चा हुई है। कई जगहों पर बहुत सारे कर्फ्यू एरियाज हैं पूरे स्टेट में ही, इसके अलावा लॉकडाउन में भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, तो दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे कर्फ्यू एरिया को कंट्रोल करना है और किस तरह से जो लॉकडाउन में ढील देने के निर्देश हैं उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसी पर चर्चा थी और उसको ही फील्ड में लागू कराना। कर्फ्यू क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया गया, उसको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए कर्फ्यू क्षेत्र का जो दायरा बढ़ाया गया है उसमें हमारा काम बेसिकली ये है कि हम लोगों को घरों पर रहने के लिए मेंटली तैयार कर लें, अगर कोई फिर भी वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके हाँ वही मैं आपको बता रहा था कि कर्फ्यू क्षेत्र में इसके अलावा जो मूवमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी मूवमेंट है, मेडिकल इमरजेंसीज हो गया या फिर कोई और आवश्यकताएँ हो सकती हैं, तो उसके लिए पहले के जो नॉर्म्स हैं जो बाकी जगहों पर लागू हैं वही वहाँ पर भी लागू रहेंगे और लोग आराम से मेडिकल इमरजेंसी होने पर मूव कर सकेंगे, इसके लिए पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सप्लाई की जो है वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं प्रशासन के द्वारा, वहां पर प्रशासन की तरफ से सप्लाई पहुंचेगी, लोग उससे अपना सामान खरीद सकते हैं।